आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज जिसके शीर्ष -2, 4, 3, -1, 1a तथा जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तो a का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे। अगर हम लोग के पास त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे दिया, x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया और x3 y3 दे दिया, तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है, और उसका मापांक होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक होगा। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को कितना दे दिया है, 10 वर्ग इकाई दे दिया है, बराबर 1/2 गुना x1 की जगह पर कितना, -2, 4, 1, x2 की जगह पर 3, y2 की जगह पर -1 और 1, यहाँ पर 1, ये 1 है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इस तरफ गुना में है, भाग में इधर जाके गुना में जाएगा तो कितना जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सारणी को परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन क्या करेंगे, परिवर्तन ये हम लोग करेंगे कि पहला पंक्ति में से पहला पंक्ति माइनस दूसरा पंक्ति करेंगे, फिर दूसरा पंक्ति में से क्या करेंगे, दूसरा पंक्ति का परिवर्तन करेंगे, दूसरा में से तीसरा घटा देंगे। अब देखते हैं हम लोग को क्या आ जाता है, यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5, 4 -- +1 यानी कि 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक है। फिर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, -1 -1 हो जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 1a 1 बचेगा। अब हम लोग यहाँ से खोल देंगे इस सारणी को, इस सारणी को किसके अनुदिश खोलेंगे, तृतीय स्तंभ के अनुदिश खोलेंगे, तो C3 के अनुदिश खोलने पर यहाँ पर देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 गुना, ठीक है, इसके संगत स्तंभ और पंक्ति को हटाएंगे, बचे हुए को आधे तिरछा घटा देंगे, तो यहाँ -5 गुना -1 -1 हो जाएगा, ठीक है, और -5 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसका सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 बराबर -5 -- यहाँ प्लस हो जाएगा, तो +5 गुना 1 + a और -10, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सरल करेंगे तो 10 इधर माइनस में, तो इधर आके क्या चीज़ मिल जाएगा, प्लस में, बराबर 5 + 5a। तो यहाँ से 5 प्लस में इस तरफ आके क्या चीज़ मिलेगा, माइनस में, तो यानी कि 25 = 5a। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया, 5 से कट गया ये 25, तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो हम लोग बोल देंगे कि a का मान कितना आ गया, 5 इकाई हो गया, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, a बराबर 5 इकाई। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।